Which of the following properties of atom could be explained correctly by Thomson's model of atom? तो हमको कुछ ऑप्शन दिए हैं, हमको ये बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन थॉमसन ने करेक्टली एक्सप्लेन कर दिए। हाँ, पहले थॉमसन का मॉडल क्या है यही देखना पड़ेगा। थॉमसन का मॉडल ये है, यस, वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, क्या मॉडल दिया? उन्होंने कहा कि एटम इज ए चार्ज ऑफ पॉजिटिव स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैट पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन वाटरमेलन। और पुडिंग में मतलब काजू होते हैं, जो केक में काजू हो गए है ना। तो ये क्या है, इनका मॉडल है थॉमसन का। तो पहले यही देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, an atom resembles a sphere of positive charge with electrons which are negatively charged particles present inside the sphere. Okay, the positive and negative charge is equal in the magnitude and therefore atom has no charge as a whole and is electrically neutral, है ना। टोटल चार्ज एटम पे कितना होता है? जीरो। फिर क्या, मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, फॉर एग्जाम्पल प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और watermelon. This model can be visualized as a pudding or watermelon of positive charge with plums or seeds embedded into it. An important feature. Okay, so this is model, है ना। इसका important feature क्या है? That mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. Mass इसको uniformly distribute कर दिया, जो कि गलत है क्योंकि mass localized है नहीं। हाँ, तो ये इसका ये गलत था। Although this model was able to explain overall neutrality of the atom, but was not consistent with results of later experiments. जैसे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया कि अल्फा पार्टिकल अनडेवेटेड पास कर गए, तो वो तो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि ये तो बोल रहा है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह। तो ये मॉडल है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, कैन दिस बी एक्सप्लेन बाय थॉमसन? यस, न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करता है। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं करता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ये तो रदरफोर्ड भी एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये एक्सप्लेन नहीं करता। ये तो नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नहीं करता एक्सप्लेन, गलत है ये तो। स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी नहीं करता एक्सप्लेन, क्योंकि आप पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ ही रख रहे हो, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो, न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है।